एक चिंता का विषय है, ये बहुत सबके लिए दुख की बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये जो आदमी है ये 8 से 12 तक जो है निजामुद्दीन मरकज में रहा, उसके बाद ये 12 से 30 तक अलग अलग दिन कोई जामा मस्जिद कहीं अलग अलग मस्जिदों में इनका 4-5 आदमियों जो ग्रुप था सब अलग अलग घूमते रहे सारे सारे। और यहां पे 30 तारीख को ये आया और 30 तारीख को आने के बाद 31 तारीख को इसको उठा लिया, 31 तारीख को उठाने के बाद इसको क्वारंटाइन किया एक ही दिन है। इसके परिवार में 5 आदमी है, इसका बेटा, इसकी वाइफ, बेटे की वाइफ, एक पोता एक पोती, उन सबको भी हमने क्वारंटाइन में उनको भी सबको कह दिया डालने के लिए, सब क्वारंटाइन में चले जाएंगे। इनका जो घर है और जितने भी मरकज में गए थे उसको भी हमने पूरा सैनिटाइज करा रहे हैं, पूरा का सारा उसने ये जिस एरिया में रहता है उस एरिया को भी कॉर्डन ऑफ करके वहां भी हम इस पे सारा उसको सैनिटाइज कराएंगे। सारी जो भी सरकार की गाइडलाइंस है, हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस है, उनकी हम पालना करेंगे। मैं इस चीज के लिए एसपी साहब को और डीसी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि वो 30 को आया, 31 को उठा लिया। मैं समझता हूं यदि उठाने में एडमिनिस्ट्रेशन कोई नलायकी करता तो ये हमारे लिए और ज्यादा पता नहीं कितने लोगों से मिलता, क्या करता, ये और चिंता की बात हो जाती। सर सबसे बड़ी बात कि एसपी साहब ने और डीसी साहब ने दोनों ने मिलकर सारे गांव के अंदर ठिकरी पैरा लगाया है, और गांव के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी अधिकारी, मार्केटिंग बोर्ड के भी, अलग अलग सभी जा रहे हैं और सब उनको गाइड कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज मैं कहना चाहूंगा आपको, मैं कैथल के नौजवान साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। नौजवान साथी बढ़ चढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग कर रहे हैं। उसी में एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी जितने भी हैं, अच्छी बात है कि आप सारे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दे रहे हो, आप खबर भी ले रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी दे रहे हो। मैं आपको भी कहूंगा आप भी इस समाज का अभिन्न अंग है, आप भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा खबर इस तरह की फैलाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग का। आज ये बताओ कि एक आदमी यहां पे पॉजिटिव मिला है, कल को वो आपका घर भी हो सकता है, आपका दफ्तर भी हो सकता है, आपकी दुकान भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप इस सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और मैं यहां कैथल के सारे मीडिया साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि मीडिया इस दुख की घड़ी में बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है। मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, आप सब बधाई। एक ही बात कहूंगा, एक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल 5 तारीख को 9:09 तक के तमाम अपने घरों की लाइट ऑफ करेंगे, वहां पे दिया जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, बैटरी जलाएंगे, मोबाइल जलाएंगे। लेकिन मैं कैथल वासियों को एक चीज और भी कहता हूं कि अपने घरों में सिर्फ लाइट ऑफ करनी है, आपका जनरेटर चल रहा है, आपका एसी चल रहा है, आपका गीजर चल रहा है, और भी जो चीज वो बंद नहीं करनी है। ये ना हो कि भाई कोई लिफ्ट में रुके रह जाए। मेरा ये है कि घर की सिर्फ बत्ती ऑफ करनी है और कुछ नहीं है। आपका पंखा चल रहा है, आपका एसी चल रहा है, वो सब चलते रहेंगे। सर ये जो पॉजिटिव आया इसका इलाज कैथल में चल रहा है, इसकी उम्र कितनी है सर? इसकी उम्र जो है 62 साल है। जो ये एक आदमी हमारा जो पॉजिटिव आया है, इसकी उम्र 62 साल है, और इसका इलाज जो हमारे कैथल सिविल हॉस्पिटल के जो CMO और जो योग्य डॉक्टरों की टीम है वो कर रही है। और जब भी हमें कोई भी डॉक्टर्स की जो राय होगी और होगी, हम उसके अनुसार काम करेंगे।